बने रहिए। इस बीच एक खबर आपने दर्शकों को बता दें, कोटपुतली नगर पालिका में निर्दलीयों का जो कब्जा है, वो जो दबदबा है वो बना हुआ है। सभी 40 वार्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 24 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा रहा है। परिणामों में भाजपा को 8 सीट मिली है, कांग्रेस को 8 सीट मिली है। वोट बनाने में निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी। और आइए सीधा रुख करें, अमित यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ में बने हुए हैं। अमित, 40 वार्डों के परिणाम जो है घोषित हुए, जिसमें 24 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा है। अब परिणाम जब तक आते हैं तो निर्दलीयों की भूमिका और ज्यादा अहम होगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गीतांजलि, कि जैसे अभी बोर्ड का सभी का रिजल्ट आया ना, तो 40 वार्डों से जो निर्दलीय 24 आना, ये बड़ी बात है। क्योंकि पार्टी के यहाँ आला कमानी बैठे हैं, यहाँ पे मंत्री भी हैं कांग्रेस के, यहाँ पे बीजेपी के काफी अधिकारी, भाजपा के अधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी बात देखने को आई कि दोनों पार्टियों की सिर्फ 8-8 सीटें आई हैं और निर्दलीयों ने कोटपुतली जो है नगर पालिका में एक तरीके से कब्जा जमाया। अब एक तरीके से जो निर्णायक रहेंगे वो जो निर्दलीय जो है ना प्रत्याशी, वो इस चीज के वो निर्णायक रहेंगे। अब आगे आने वाला समय ही कर पाएगा कि बोर्ड किसको समर्थन मिल पाता है, बीजेपी की ओर जाता है या कांग्रेस की ओर जाता है। जी गीतांजलि, बिल्कुल। और खास तौर पे अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, भाजपा को 8 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को भी 8 सीटें मिली हैं। अब टक्कर तो इस वक्त साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे हम निर्दलियों का जिक्र कर रहे हैं, और अगर इन निर्दलियों की हिसाब को हम देखें तो भी आंकड़ा किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? किसकी पकड़ इन निर्दलियों के संदर्भ में भी सबसे ज्यादा नजर आ रही है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, मैंने बिल्कुल आपने सही कहा है और ये बात सही है, जो निर्दलीय हैं उन्हीं की ओर अब सभी की नजरें हो चुकी हैं। बीजेपी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि निर्दलीय को सभी को हम साथ लें। इधर कांग्रेस के भी जो यहाँ पे मंत्री जी हैं, जो और पदाधिकारी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार कांग्रेस का बोर्ड बन पाए। अब देखिए, ये निर्दलीय किस ओर मूवमेंट कर पाते हैं, किसको समर्थन दे पाएंगे, उसके बाद निर्णय हो पाएगा। हालांकि बाड़ाबंदी होने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लोग जितने भी निर्दलीय जीते हैं वो दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे पार्टी के आला कमान है, वो सभी ये चाह रहे हैं कि हम सभी निर्दलियों को अपनी ओर ले जाएं और इनको कहीं ना कहीं अपना समर्थन लेने की पूरी कोशिश करें। जी गीतांजलि, अमित बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल कोटा की ओर रुख करें, हिमांशु हमारे साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, कोटा से क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है फिलहाल, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी का आंकड़ा जो है वो काफी हद तक ज्यादा नजर आ रहा है, क्या तस्वीर वहां पर भी ऐसी है, इससे कुछ उलट? देखिए गीतांजलि, कोटा के दो नगर पालिकाओं में चुनाव, जिनमें से रामगंज मंडी और इटावा, दोनों के चुनावी नतीजे बताएं तो रामगंज मंडी जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नज़र आता है। वहीं इटावा की बात करें तो वो वहां पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो मजबूत नज़र आती है अब तक के जारी नतीजों में। आपको बता दें कि 35 वार्ड के वार्डों को लेकर के चुनाव हुआ था, जिसमें से जो अब तक परिणाम जारी हुए उनमें से 16 सीटों पर जो है वो भाजपा ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस को 10 वार्डों में जीत मिल पाई है। वहीं अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर जो है वो बड़ी जीत निर्दलियों ने दर्ज की है। तो इससे साफ है कि जो जीत की चाबी है वो सीधे सीधे यहाँ पर निर्दलियों के हाथ में, यानी कि निर्दलीय जिस तरफ मूव करेंगे उधर जीत जो है जीत का ऊँट जो है उस करवट बैठेगा। लेकिन सीधा ये बता दें कि 9 जो निर्दलीय जीते उनमें से 8 जो है वो भाजपा विचारधारा से हैं, भाजपा समर्थित हैं। तो कहा जा सकता है कि कोई बहुत हद तक दिक्कतें जो है वो इटावा में बीजेपी के सामने नहीं होने वाली हैं। वहीं अगर बात रामगंज मंडी की कर ले तो रामगंज मंडी में जो है वो 20 वार्डों पर कांग्रेस जीत चुकी है, भाजपा की बात करें तो 12 पर और निर्दलीय जो है वो 7 पर, यानी कि रामगंज मंडी में कांग्रेस के सामने कोई चुनौती फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि जो निर्दलीय जीते हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं। तो बहुत हद तक यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बोर्ड बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है फिलहाल। चलिए, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि किसके पाले में बॉल जो है वो होगी, लेकिन फिलहाल हिमांशु आप बने रहिए और साथ ही दीपक आप भी बने रहिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से